is inside. He is now inside the fish. अब हम देखते हैं कि यूना मछली के पेट में है. Verse 2, he said, In my distress, I called to the Lord, and he answered me. यूना अपनी दुआ में यूं कहता है, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी. Now he is inside the fish. हम देखते हैं कि यूना मछली के पेट में है. Now he is inside the belly of a huge fish. हम देखते हैं कि यूना एक बड़ी मछली के पेट में है. He can die anytime. Can you please repeat it? Jonah can die anytime because now he is in the belly of a huge fish. मछली जो है यूना से 10 गुना ज्यादा बड़ी है. Now Jonah's backbone can be anytime broken off because he is inside in the stomach of a huge fish. हम देखते हैं कि यूना जो है एक बड़ी मछली के पेट में है और वो किसी भी वक्त मर सकता था. If the stomach of a huge fish starts into movement, Jonah's backbone can be broken anytime. हम देखते हैं कि यूना जो मछली के पेट में है, क्योंकि पेट में डिफरेंट तरह की गैसेस होती हैं, तो यूना किसी भी वक्त मर सकता था. He is now in the literally depths of the grave, depths of the world of death. So यूना के लिए वो मछली का पेट एक कब्रिस्तान का सा मंजर भी पेश कर रहा है. But he prayed in my distress. I called to the Lord, and he answered me. मगर हम देखते हैं कि यूना कहता है कि मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी दुआ को सुना. He now still in great distress, in great danger, in great crisis. Can you please? Repeat it. Jonah is still in great distress, in great danger, in great crisis. हम देखते हैं कि यूना जो है वो एक बड़ी मुसीबत में है, एक बड़े क्राइसिस का दैट टाइम एटमॉस्फेयर है उसके आसपास. But he is confessing the Lord has already answered me. यूना इस बात का इकरार करता है, अपने कन्फेस करता है खुदा के सामने, अपने गुनाह का इकरार करता है. God did not yet saved him from the belly of a huge fish. खुदा ने उसी वक्त उसको मछली के पेट से नहीं निकाला. But he is confessing, God is already answered me. God already saved me. मगर तब भी खुदा ने उसको मछली के पेट से नहीं निकाला और तब वो मछली के पेट में ही है और अपने गुनाहों का इकरार करता जा रहा है, खुदा से दुआ करता जा रहा है. He did not say, God will save me from this belly of a huge fish. मगर खुदा जो एक अजीम खुदा है वो उसको मछली के पेट से निकालने की कुदरत रखता है. The tense is not the future. The tense is the past. ये जो जुमला है ये future का नहीं बल्कि ये माजी का है. मुस्तकबिल का नहीं बल्कि ये माजी का है. He is confessing, God already answered me. हम देखते हैं कि वो खुदा के सामने confess कर रहा है, अपना इकरार कर रहा है.
He is confessing, God already saved me. वो इस बात का इकरार कर रहा है कि खुदा ने उससे बचा लिया है यहां जबकि वो मछली के पेट में है तब भी वो इस बात का इकरार कर रहा है कि खुदा ने उसको बचा लिया है but actually God did not yet save him मगर तब तक वो मछली के पेट से नहीं निकला from the depths of the grave I called for help and you listened to my cry मैंने पाताल की तह से दुहाई दी और तूने मेरी फरियाद सुनी He did not say, God will listen to my cry यूना इस बात का इकरार करता है कि तूने मेरे रोने को सुना He declared he God already listened to my cry यूना इस बात का इकरार करता है कि तूने पहले ही मेरा रोना सुन लिया है He declared by faith God already saved me from the huge fish इस बात का इकरार कर चुका है कि खुदा ने उसे बचा लिया है इससे पहले कि मछली के पेट से निकले वो मछली के पेट में ही अपने ईमान से इस बात का इकरार कर रहा है कि खुदा ने उसे बचा लिया है And verse 7 also, when my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, your holy temple. और सातवीं आयत में यूं लिखा है, जब मेरा दिल बेताब हुआ, तो मैंने खुदावन को याद किया और मेरी दुआ मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची. He did not say. My prayer will rise to your holy temple. He said, my prayer rose to you, to your holy temple. इस बात का इकरार करता ही हूँ ना कि मेरी दुआ जो है तेरे मुकद्दस हैकल तक पहुंची. The tense is not the future. The tense is the past. शिन कह रहे हैं कि जो जुमला है ये फ्यूचर का नहीं बल्कि ये पास्ट का जुमला है yeah. Likewise, Jesus also first confessed, Father, I thank you that you have heard me. हम देखते हैं कि खुदा ने तब भी उसका हाथ थामे रखा है यहाँ जबकि वो मुसीबत में है तब भी खुदा ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। Just before he called out Lazarus out from the tomb, he said, "Father, I thank you that you have heard me." इससे पहले कि यूना मछली के पेट से निकाला जाता उसने इस बात का इकरार किया कि ऐ बाप मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तू मेरे साथ है Let's look up the book of John chapter 11 verse 42 verse 41 and 42 verse number 41 and 44 42 Okay, 41 and 42. आइए मेरे साथ एक और रेफरेंस निकालिए मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11वां बाब 41 और 42 शायद yeah 41 okay so they took away the stone then Jesus looked up and said Father I thank you that you have heard me हम देखते हैं इधर लिखा है फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं And 42, I knew that you always hear me. मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली. And 43, when he said like this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out.
और उस और 43वीं आयत में यूं लिखा है और यह कह कर उसने बुलंद आवाज से पुकारा ए लाजर निकला 44 the dead man came out his hands and feet wrapped with strips of linen and the cloth around his face Jesus said to them take off the grave clothes and let him go 44वीं आयत में यूं लिखा है जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था यीशु ने उनसे कहा इसे खोल कर जाने दो In advance, he thanked God, Father, I thank you that you have heard me. इससे पहले के खुदावन यीशु मसीह यह मौजजा दिखाते यीशु ने खुदा बाप का शुक्रिया अदा किया कि बाप मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है In advance, he confessed, you have heard me. उसने इस बात का इकरार किया कि तू मेरी सुनता है. And later, he called out in a loud voice, Lazarus, come out. और उसने बड़ी आवाज से कहा, ऐ लाजर निकला. He first believed, and sometime later he could see the prayer answer with his own eyes. और वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी आँखों से देखा और बहुत हैरान हो गए. He first believed. He first gave thanks to God, and sometime later he could see the prayer answer. उनके लिए यहाँ पर ईमान रखना बहुत आसान है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लाजर कब्र से निकल रहा है। Likewise, my dear pastor, you must first believe that you have received the prayer answer. If so, sometime later you will definitely see the prayer answer with your own eyes. इसी तरह से मेरे प्यारे हम खिदमत भाइयों जरूरत है कि हम भी खुदावंत यीशु मसीह पर ईमान रखें। My dear Pakistan pastor, you must first believe. If so, you will see with your own eyes the prayer answer sometime later. मेरे पाकिस्तानी हम खिदमत भाइयों अगर चेके हम आंखों से नहीं देख रहे मगर फिर भी हमें खुदावंत पर ईमान रखने की जरूरत है। My dear pastors, this is not my saying. This is what the Lord has commanded you. मेरे हम खिदमत भाइयों ये blind faith नहीं ये अनदेखा ईमान नहीं बल्कि ये एक देखा हुआ ईमान है। Let me introduce to you one of my most favorite Bible verses. आइए मैं आपको अपनी मोस्ट अपनी बहुत पसंदीदा बाइबल की वर्स बताता हूँ। It can be somewhat hard to accept you, but is our faith principle. I will introduce to you later. Can you please repeat it? Yeah. Okay. What I will say to you is our faith principle. Okay. So, मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमें अपने ईमान को बचाए रखना है. Okay. Let's look up the book of Mark, chapter 11, yeah. verse 24. Mark chapter 11, verse 24. Okay, so you can read, please. Okay, 24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ. आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11वां बाब और 24वीं आयत में यूं लिखा है. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा. Believe that you have already received it and sometime later you will have it. It will be yours.
ईमान रखना है कि आपने पहले ही उन तमाम बरकात को हासिल कर लिया है. First believe that you have already received it. इस बात पर पुख्ता ईमान रखना है कि आप उस बरकत को ले चुके हैं. Do not doubt at all. इस पे शक नहीं करना. First believe in advance that you have received it. पहले ही उस बरकत को लेने से पहले ही आपने ईमान रखना है कि आप बरकत पा चुके हैं. And it will be yours. और वो सब कुछ आपके लिए हो जाएगा. I know some of you pray really a lot. Can you please repeat it? I know that some of you pray really a lot. मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा ईमान के साथ दुआ करते हैं. But do not just pray a lot. मगर कुछ हैं जो उस तरह से ईमान के साथ दुआ नहीं करते. You must first believe that you have already received it. मगर आपने फिर भी इस बात पर ईमान रखना है कि आपको बरकत मिलना शुरू हो चुकी है. If so, sometime later you will it will be yours, the prayer answer. चाहे आप महसूस कर रहे हैं नहीं कर रहे, मगर खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा. This is one of my most favorite Bible verses. और ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी मरकज 11:24, ये मेरी बाइबल की सबसे पसंदीदा आयत है. Actually, I pray a lot. और एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा दुआ करता हूँ. But I can realize, even though I pray a lot, but do not firmly believe. मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत ज्यादा दुआ करने के बावजूद भी हम ईमान नहीं रखते. Maybe that's why whenever I start to pray, the Holy Spirit reminds me of this Bible verse. जब मैं बहुत ज्यादा दुआ करता हूँ और कहीं बेत का दी आती है, तब खुदा का पाकरू मुझे ये आयत याद दिलाता है. Even while I am praying, the Holy Spirit reminds me of this Bible verse. और खुदा का पाक रूह मुझे ये आयत हमेशा याद दिलाता है जब कभी मैं भूल जाता हूँ. I have a tendency to pray, just to pray a lot. But while I'm praying, the Holy Spirit reminds me of this Bible verse. और जब कभी भी मेरे अंदर बेद का आती आती है और मैं बहुत ज्यादा दुआ कर रहा होता हूँ, तो खुदा का पाक रू होली स्पिरिट मुझे ये आयत हमेशा याद दिलाता है. He says to me again and again, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. खुदा का पाक रू बार बार मुझे ये बात याद दिलाता है, जो कुछ तूने दुआ में मांगा है वो सब कुछ तेरे लिए हो जाएगा. So many times in a day, the Holy Spirit tells me, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. और बहुत दफा इस तरह से होता है कि खुदा का पाकरू मुझे गाइड करता है कि जो तूने दुआ मांगी है वो तेरे लिए होना शुरू हो चुका है. My dear pastors, maybe the Holy Spirit is also telling you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. मेरे हम खिदमत भाइयों, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि होली स्पिरिट आपको भी यही बात सिखाना चाहते हैं कि जो कुछ आपने दुआ में मांगा है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा. He is telling you, stop doubting and believe. मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बेतकादी को खत्म करें. He is telling you again and again, stop doubting and believe. मैं बार बार आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि बेइत्कादी को खत्म करें. And he is commanding you most strongly, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours.
और मैं आपको यही बात बार-बार कहना चाहता हूं कि जो कुछ आपने दुआ में मांगा है वो खुदा सब कुछ आपके लिए करने की कुदरत रखता है The problem is, your big problem is you want to believe, but it's hard for you to strongly believe. You doubt and doubt. मगर एक बड़ी बड़ा मसला ये है कि हम ईमान भी रखते हैं मगर हमारा दिल जो है कहीं ना कहीं शक करना शुरू कर देता है You actually want to firmly believe, but in fact, you doubt and doubt. और कहीं ना कहीं इस तरह से होता है कि हम शक करते हैं और दोबारा शक करना शुरू कर देते हैं That's why you must make a strong decision in advance, not to doubt at all. लेकिन जरूरत यह है कि दोबारा उस शक की मशक को दोहराया ना जाए That's why you must make every effort to firmly, strongly believe that you have received it. और जरूरत है कि एक ये फैसला लिया जाए कि अब हम शक नहीं करेंगे If you make every effort to strongly believe that you have received it, God will help you. लेकिन अगर आप इस बात का फैसला कर लेंगे कि अब आप शक नहीं करेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी दुआ को जरूर सुनेगा If you make every effort to strongly believe that you have already received it, day and night, if you make every effort, God will help you. लेकिन अगर आप पूरी कोशिश करेंगे कि अब आप शक नहीं करेंगे और दिन और रात दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी दुआ जरूर सुनेगा और खुदावंद आपकी मदद करेगा I tell you once again, if you make every effort to believe that you have received it, God will greatly help you. मैं दोबारा आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आप इस मैं आपको दोबारा ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कोशिश करेंगे और शक ना करें तो खुदावंद आपकी जरूर मदद करेगा In my case, whenever I start to pray or while I am praying, the Holy Spirit reminds me of this Bible verse. लेकिन मेरे साथ ये होता है कि जब कभी भी मैं दुआ करते हुए शक करता हूं तो खुदा का पाकरू मुझे ये आयत याद दिलाता है He is talking to me. He is urging me. He is encouraging me to believe that you have received it and it will be yours. खुदा का पाकरू मुझे गाइड करता है, मुझे सिखाता है कि तूने शक नहीं करना और ईमान रखना है क्योंकि खुदा तेरे लिए करने की कुदरत रखता है. He is encouraging me again and again. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. दुबारा मैं आपको यही बात कहना चाहूंगा कि जो कुछ आप दुआ में खुदा से मांगते हैं ईमान रखिए और शक ना करें तो खुदावंद आपके लिए करने की कुदरत रखते हैं. Because he is urging me, whatever you ask for in prayer, believe that you have believed. Received it and it will be yours again and again. I can first believe gradually. और दोबारा बार बार मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर कहीं भी शक है तो उसको अपनी जिंदगी में से निकाल दीजिए ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे. Gradually, I came to believe that I have received it. और मैं इसी आयत से अपने आप को दोबारा अपनी जिंदगी में लेता हूं ताकि मैं शक ना करूं And my dear pastors, we can ask God the gift of faith. Pastor?
목사님 나가셨는데 잠깐 기다려 보세요. 거기 인터넷이 지금 상태가 안 좋을 수도 있어요. 연락 한번 해볼게요. 왜 나왔지? 꺼져졌겠지. 아마 인터넷 문제인 것 같아. 아마 인터넷 문제일 거예요. 제가 물어볼게요, 코디 목사님한테. 목사님, 다시 들어오셨어요. 좀만 기다려보세요. 연결했어요. 죄송하다고 연락이 왔어요. 인터넷 문제인가 봐요. 네, 잠시만요. I really do apologize, Pastor Shin. Due to some inconvenience, for this inconvenience, due to some issue, we got offline, but now we are online. So okay. 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 No problem. I apologize for this inconvenience. Okay. We can ask God for the gift of faith. और हमें जरूरत है कि ईमान पर पुख्ता रहे. I know you want to strongly believe that you have already received it, but it's somewhat hard for you to first believe. मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको ईमान का तोहफा दे, मगर इस ईमान के तोहफे को भी आपने अपने खुदा पर पुख्ता ईमान से ही रिसीव करना है, लेना है. But make every effort not to doubt at all. आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि ईमान के तोहफे को ले और शक ना करें. And make every effort actually to first believe that you have received it. आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है और बेतकदी नहीं अपनी जिंदगी में आने देनी ताकि आप खुदावन के उस ईमान को, पुख्ता ईमान को, अपनी ईमान को अपने अंदर ले सके. And on the other hand, ask God for the gift of faith continually and persistently until God can give you really great gift of faith. और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अगर आप अपने खुद जिद्दोजहद नहीं करते, खुद आप कोशिश नहीं करते, तो आप उस पे खुदा के उस तोहफे को जो कि ईमान का तोहफा है उसमें जिंदगी नहीं गुजार सकते, उसमें फ्लो नहीं कर सकते. Now let's move on to another great topic. Seek first God's righteousness. और हम एक और एक बड़े
अच्छे टॉपिक की तरफ देखेंगे. Jesus once commanded us most strongly, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. और वो टॉपिक है कि खुदा की रास्तबाजी और हम देखेंगे कि जी खुदावन यीशु मसीह कहते हैं पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी. He had commanded us most strongly seek first His kingdom and His righteousness. खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि पहले बाप की मोहब्बत की तरफ देखो तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा. But I think many of you, even most of you, do not know what God's righteousness is. मगर मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोग खुदा की रास्तबाजी को नहीं जानते. If you do not know what God's righteousness is, you cannot seek first God's righteousness, and you cannot have an intimate fellowship with the Holy Spirit. अगर आप खुदा की रास्तबाजी को नहीं जानते तो जरूरत है कि आप खुदा की रास्तबाजी को जाने और खुदा की रास्तबाजी को जाने बगैर आप उसकी मर्जी को भी नहीं जान सकते. If you do not clearly know what God's righteousness is, you cannot acknowledge it, you cannot expect it. अगर आप खुदा की रास्तबाजी को नहीं जानते तो आप खुदा की इज्जत भी नहीं करते और खुदा की रास्तबाजी की इज्जत भी नहीं करते. So, very easily speaking, if I can very easily explain to you, God's righteousness means God is righteous in everything He does. हम देखते हैं कि खुदावन जो जिंदा खुदा है वो हमेशा रास्तबाज उसकी रास्तबाजी हमेशा हमें नजर आती है. God righteousness means God is righteous in everything He does. खुदा की रास्तबाजी का मतलब है कि खुदा हर एक चीज में रास्त है. Even though something very bad has happened to you, God is still righteous. चाहे आप अपने आसपास गुनाह होता देख रहे हैं, आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है, मगर फिर भी खुदा हर एक बात में रास्त है. Even though very bad things had happened to your loving family, you must fully acknowledge God is righteous. You must fully expect God's righteousness. चाहे आप अपने आसपास बदी होती देख रहे हैं मगर तब भी खुदा हर एक बात में रास्तबाज है. And very easily speaking, God's righteousness means God's self-respect. और हम अगर इसका अंग्रेजी में तर्जमा देखें तो वो ये है खुदा की रास्तबाजी खुदा की इज्जत करना. And you must not your human righteousness, but you must make every effort to reveal, to manifest God's righteousness. God is righteous. खुदा को हम देखते हैं कि वो हर एक बात में रास्त है, वो हर एक बात में रास्तबाज और ना रास्ती उसमें नजर नहीं आती. If you complain against God about anything, it means you do not acknowledge God's righteousness. अगर आप खुदा के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुदा की रास्तबाजी का इनकार करते हैं. If you complain about anything against God, yeah, you do not acknowledge God's righteousness. Instead, you
trying, you are trying to reveal your human self righteousness. अगर आप खुदा की अगर आप खुदा के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं कि इन चीजों में कमी है इन चीजों में कमी है तो आप खुदा की रास्तबाजी का इंकार करते हैं और अपनी रास्तबाजी का इकरार करते हैं कि मैं एक रास्तबाज शख्स हूं मैं ज्यादा काबिल हूं as compared to God. In one word, you must give up your righteousness, your human righteousness. ये लाजम है कि आप अपनी रास्ती का इंकार करें. You must give up your self-respect. आप अपनी इज्जत का इनकार करो खुदावन को इज्जत दे. You must give up your self pride, your pride. अपनी मगरूरी का इनकार करें. You must not claim I am righteous. इस बात का इकरार करें कि मैं नाराज हूं और मेरी कोई इज्जत नहीं है. If we complain against God, it means I am righteous, but God is not righteous. अगर आप खुदा के against complain करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि खुदा राष्ट्र नहीं है, वो एक नाराष्ट्र है. You can say, if God lives, and if God reigns, why my family is so poor? If you say like this, you ignore your temples on God's righteousness. अगर आप ये भी कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो आप कहीं ना कहीं ये कहकर भी खुदा की नाराजगी का इनकार करते हैं, जबकि इसके पीछे आपका ही कोई लैक है. You are revealing your own self-respect. You are ignoring God's righteousness. आप खुदा की रास्तबाजी को इस तरह से बयान कह रहे हैं जैसे खुदा एक गुनाहगार है. But remember, God is righteous in everything he does. Hallelujah. मगर इस बात पर ईमान रखें कि खुदावन हर एक चीज में हर एक बात में रास्त है. Even though there are many innocent children are starving to death in the African countries, God is still righteous. यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा किसी मुल्क में कत्ल हो जाता है, तब भी खुदा राष्ट्र ही कंसिडर किया जाएगा, खुदा ना राष्ट्र नहीं कंसिडर किया जाएगा. Even if a miserable war breaks out in my country, God is still righteous. अगर चाहे मेरे अपने मुल्क में भी कोई गुनाह हो या कोई बड़ा मसला हो, तब भी खुदा पाक ही कहा जाएगा, खुदा को नापाक नहीं कहा जाएगा. I must not complain against him. Why this is happening to me, to my family, to my country? मेरे अंदर ये कुवत नहीं कि मैं खुदा के आगे कंप्लेन कर सकूं या खुदा के आगे ये कह सकूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरे मुल्क के साथ ऐसा क्यों हुआ. Even though my family is very miserable, even though my country is very poor, I must not complain against God. यहाँ तक कि अगर मेरे मुल्क गरीब भी हो जाए, तब भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं खुदा के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकूं कि ऐसा क्यों हुआ. I must not say to myself, why this is happening to me, to my family, to my country. मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये भी कह सकूं कि खुदावन ये मेरे मुल्क के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. Even though very, very bad things have happened to me, God is still righteous. क्योंकि मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदावंद हर एक बात में तब भी पाक ही कंसीडर किया जाएगा, उसकी रास्तबाजी वो हमेशा ही रास्तबाज कहा जाएगा. We must always fully acknowledge God's righteousness and respect God's righteousness anytime, anywhere.
और हमें इस बात पर ईमान रखना है कि खुदावन रास्त है और वो हमेशा ही रास्तबाज रहेगा. Why? क्यों? Why? क्यों? My dear pastors, only God is righteous. Why? मेरे अजीम खादमों, क्योंकि खुदावन के अलावा कोई और ऐसी शख्सियत ही नहीं है, कोई ऐसा आइडल नहीं है जो रास्त हो. Only the Almighty God is always righteous. Why? क्योंकि सिर्फ खुदावन पाक है, क्योंकि सिर्फ खुदावन खुदा ही पाक है और रास्तबाज है. Only the Almighty God is always righteous in everything he does. जो कुछ वो करता है वो उन सब चीजों में रास्तबाज है. Why? क्यों? Only God is righteous in everything that is happening to us. क्योंकि जो कुछ खुदावंद हमारे लिए करता है वो भला है, इसलिए खुदावंद रास्त है. In everything that is happening in the world, in the whole universe. जो कुछ भी इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस दुनिया में होता है वो खुदा की मर्जी से है. Why God only is still righteous in everything that is happening in the whole universe? Why? जो कुछ भी इस दुनिया में होता है क्या वो सब खुदा की मर्जी से ही है? Because God is the most high. खुदा जो ऊंचाई पर है. God is the only free one. खुदा ही वो खुदा है जो आजाद है हर एक बात में. God only is the highest. The highest one, the most high one. खुदा ही वो खुदा है जो सबसे बुलंद और बाला है. And only the most high can know everything he pleases. जो सबसे बुलंद और बाला होता है उसके पास ये कुदरत होती है कि हर एक चीज को चला सके. There is no one who is higher than he in heaven and on earth. उसके अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो इस कदर ज्यादा बुलंद और बाला और पूरे आसमान और जमीन को चला सके. He is the high, he is the highest one, the most high in heaven and on earth. वो खुदा हर सबसे ज्यादा बुलंद और बाला है और आसमान और जमीन उसके नीचे है. So he can do everything as he pleases. और वो जो चाहे वो कर सकता है. He is the only free one who can do everything as he pleases. Amen. वो आजाद खुदा है, वो जो चाहे वो इस दुनिया में करने की कुदरत रखता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता. But who are you? But who are you? लेकिन आप कौन हैं? A very mere small creature. यहाँ तक कि हम तो एक टिड्डे टिड्डे इंसान हैं. Remember, God is the only free one, the most high, who can do everything he pleases. खुदा ही वो खुदा है जो आजाद और बुलंद और बाला खुदा है. You cannot criticize the most high by the standard of your own moral and ethics. आप अपनी कुदरत और लियाकत से खुदा को कुछ नहीं कह सकते. You cannot criticize by the standard of human morals or ethics. आप अपनी मर्जी से खुदावन की कोई भी बनाई हुई चीज को चेंज नहीं कर सकते. Remember always, God is the only free one, the most high, who can do everything
everything as he pleases. याद रखें जो कुछ खुदावन ने बनाया है वो सब कुछ अच्छा और बेहतर है. And one more thing, please remember this. Yeah. और प्लीज इस बात को याद रखें. The Most High does not exist for your happiness, for your family's happiness. खुदा जो बुलंद बाला है हम उस तक रसाई नहीं कर सकते, हम उस तक पहुंच नहीं सकते, उसको हाथ नहीं डाल सकते. Once again, the most high God, the only free one, does not exist for you, or for your happiness, for your family's happiness. खुदा जो बुलंद बाला है वो आपकी खुशी और आपके खानदान की खुशी के लिए नहीं, के आपकी और आपकी खानदान की खुशी के लिए है. On the contrary, you a small, a very small creature, must exist for him, the Most High God. आप जो सब एक छोटे 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 मखलूक हैं, खुदा की खुदावन आप सबको देख सकता है. Your family must exist for the Most High God. खुदा जो सबसे बुलंद और बाला है वो आपको हाथ डाल सकता है. Your country must exist for the Most High God. खुदावन जो सबसे ज्यादा बुलंद और बाला है वो आपके लिए है. Your family must be used for the Most High God. Your country must be used for the Most High God, the only free one. आपके जो खानदान है वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए भी है, और आपके जो कंट्री है, आपका जो मुल्क है, वो भी खुदा के लिए है. If you are not used for him, you don't need to exist anymore. You don't have any reason to exist anymore. अगर can you please repeat it? If you are not used for him, you don't have any reason to exist. You don't need to exist at all. अगर आप खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते तो कहीं ना कहीं आप खुदा को डिसओबे करते हैं. If your family is not used for him, your loving family has no reason to exist. Your family does not need to exist. अगर आपका खानदान खुदावन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता तो बेहतर है कि इस दुनिया में वो ऐसा खानदान होना ही नहीं चाहिए. Let's look up the book of Mark chapter 11. आइए मेरे साथ देखिए Mark 11 verses 10-14. Verse number 13 and 3 and verses 10-14. Okay, 10-14. मरकज 11वां बाप उसकी 10 से 14 आयत. 12, chapter 11, verse 12. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. 12वीं आयत में यूं लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी. 13, seeing the distance of fig tree in deep, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद इसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया. 14. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say. उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए, और उसके शागिर्दों ने सुना. Jesus cursed the tree, and the next day, the
the fig tree had withered completely. हम देखते हैं कि जब यीशु ने उससे कहा तो वो दरख्त उसी वक्त सूख गया. Why? क्यों? The fig tree was not used for the Almighty God, for the Creator and Prophet. क्योंकि जरूर था कि यीशु के अल्फाजों को इज्जत दी जाती, इसीलिए वो दरख्त उसी घड़ी सूख गया. If anything is not used for the Almighty God, yeah, that thing has no reason to exist. That thing does not need to exist at all. अगर इतना बड़ा भी एक दरख्त खुदा की कुदरत को जाहिर करने और खुदा की रिस्पेक्ट, खुदा को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए है, तो बेहतर है कि ऐसा बड़ा दरख्त भी दुनिया में वजूद ही ना रखे. Let's look up the book of Colossians chapter 1 verses 15 and 16. Yeah, you can read. Chapter 1, Colossians chapter 1 verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 15. Colossians chapter 1, verse 15, exactly. Colossians yeah. Chapter 1, verse 15. Colossians. Okay, I'm reading now. Colossians chapter 1, verse 15. Yeah, I'm reading. 15, he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौलूद है. And verse 16, for by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers, or rulers, authorities, all things were created by him and for him. क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, सब all things, तमाम चीजें were created by him and for him. ये तमाम चीजें खुदा के लिए ही तखलीक की गई और खुदा ही ने ही को तखलीक किया. So if you are not used for him, you don't need to exist at all. अगर यीशु को फिर भी अगर वो दरख्त यीशु को अंजीर ना दे सका तो उसका क्या फायदा. If your family is not used for him, your loving family does not need to exist at all. अगर आपका खानदान खुदावन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आप खुदा से मोहब्बत नहीं रखते. If your loving country is not used for him, the Almighty God, the Creator, your country has no reason to exist at all. अगर आपका मुल्क खुदावन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इस मुल्क का इस दुनिया में, इस प्लैनेट अर्थ पे इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं. Even the whole universe is not used for him. The whole universe have any reason to exist at all. अगर ये तमाम दुनिया भी खुदावन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो इस दुनिया का क्यों कोई फायदा नहीं. खुदा की इज्जत, खुदा की कुदरत, उसके जलाल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो उसका कोई फायदा नहीं. Once again, you must exist for the Creator. एक बार फिर से आप इसीलिए तखलीक किए गए ताकि खुदावन की हम्द और सिताइश की जाए, ताकि खुदावन के लिए इस्तेमाल किए जाए. You must exist for the Creator, the Most High, the only free one who can do everything as he pleases. आप इसलिए पैदा किए गए
ताकि खुदावन के लिए इस्तेमाल किए जाएं और आपके वसीला से खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले. That's why you must not complain about anything against him at all. इसीलिए आप खुदा की किसी भी चीज के अगेंस्ट खुदा की किसी भी चीज का या खुदा के किसी बनाई हुई तखलीक का शिकायत नहीं कर सकते. Even if something very bad has happened to you, you must not say to yourself, why this is happening to me? I have been so faithful until now. Why this is happening to me? अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा भी हो चुका है तब भी आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि बाप या खुदावन ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. You must make a strong decision not to complain about anything against God the Almighty. आप बार बार खुदावन के सामने शिकायत नहीं कर सकते. Remember what Job did when all his children died in a day. लेकिन याद रखें अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वही गलत किया हुआ आपके सामने और आपके बच्चों के सामने आता है. His 10 children, his loving 10 children died suddenly one day in a day. याद रखें जब अय्यूब के सारे बच्चे मर गए थे तो तब भी वो खुदा से मोहब्बत करता था और उसके 10 बच्चे जो उस वक्त मरे वो उनसे मोहब्बत रखता था. But he did not say anything against God at all. लेकिन फिर भी अय्यूब ने खुदावन के सामने शिकायत ना की. Let's look at the book of Job, chapter 1. आइए मेरे साथ निकालिए अय्यूब पहला बाब. Chapter 1, verse 20 through 22. Okay, you can read. Verse 20. After the death of his 10 loving children, At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord is be praised." Amen. तब अय्यूब ने उठकर अपना पीरहन चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सिजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा. खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. In sab baaton mein Ayub ne na to gunah kiya aur na khuda par beja kaam ka aib lagaya. Even though his loving 10 children died in a day, he did not say anything bad against God. यहाँ तक कि अय्यूब के 10 के 10 बच्चे जिनसे वो मोहब्बत रखता था उसी घड़ी मार गए तब भी वो खुदा से उसने शिकायत ना की. He confessed, "Naked I came and naked I will depart." Can you please repeat it? He confessed, "Naked yes. I came from my mother's womb and naked I will depart." हम देखते हैं कि अय्यूब इस बात का इकरार करता है कि मैं नंगा ही अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस दफन किया जाऊंगा. May the name of the Lord be praised. लेकिन सब बातों में खुदावन की ही तमजीद हो, उसी का नाम मुबारक हो. May the name of the Lord
be praised. 후다반 का नाम ही मुबारक हो. By this saying, Job acknowledged God's righteousness. 우스네 अपने इन अल्फाजों से इस बात का इकरार किया कि खुदावन जो है वो रास्तबाज खुदा है. By this saying, Job acknowledged God's righteousness. Job respected God's righteousness, even though very, very bad things have happened to him. जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसने इन तमाम बातों के बावजूद भी खुदावंद की रास्तबाजी की इज्जत की और इस बात का इकरार किया कि खुदावंद हर एक बात में रास्तबाज खुदा है. So my dear pastors, whenever very bad thing has happened to you, मेरे अजीज, you have to say is. Yeah. मेरे अजीम खादमों मैं आपसे मिन्नत करता हूं अगर कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई वाकया गुजरे तो खुदावंद से शिकायत ना करें. Once again, whenever very bad thing has happened to you, the first thing you have to say is this. जब आपकी जिंदगी में भी कुछ बहुत बुरा हो तो याद रखें कि आपने सबसे पहले यही कहना है कि खुदावन का नाम मुबारक हो. Let's look up the book of Matthew, chapter 11, chapter 11, verse 6. आइए मेरे साथ देखेंगे मत्ती की इंजील. Chapter 11, verse 6. Yes, Father. Yes, Father. But this was your good pleasure. Matthew chapter 11, verse? Verse 26. Okay, verse 26. Yeah, you can read, please. Okay. He said, yes, Father, but this was your good pleasure. हम देखते हैं इस आयत में यूं लिखा है, हाँ, ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया. As all of you know very well, nothing can happen in the whole universe without God's allowance. Wow. जब तक के खुदा किसी चीज को अलाउ ना करे, जब तक के खुदा किसी चीज को इजाजत ना दे, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. So you must fully acknowledge and respect God's righteousness. So it's ये जरूरी है कि खुदावन की रास्तबाजी की और खुदा की इज्जत की जाए. Whenever very bad thing has happened to you, the first thing you have to say is this. Yes, Father, for this was your good pleasure. मैं आपसे इस बात की मिन्नत करूंगा कि कभी आपकी जिंदगी में कुछ बुरा भी हो जाए तो आपने हमेशा यही कहना है, हाँ ए बाप, तुझे ये पसंद आया, तेरी मर्जी के मुताबिक ही हो. If you complain against God, you do not acknowledge God's righteousness. You ignore God's righteousness. आपके पास कोई हक नहीं है कि आप खुदावंद से शिकायत करें या खुदा की किसी बनाई हुई या खुदा की किसी मर्जी को रद्द करें. Everything God is righteous in everything he does. God is righteous in everything which is happening in heaven and on earth. इस आसमान और जमीन पे जो कुछ भी हो रहा है वो खुदा की मर्जी से ही हो रहा है, खुदा के दिए इख्तियार के साथ ही हो रहा है. Because everything is happening under God's control, under God's allowance. क्योंकि खुदा ने इन सब चीजों पे इख्तियार रखा है और खुदा ने उनको इजाजत दी है कि ऐसा किया जाए. So my dear pastor, remember, whenever very bad thing has happened to you, you must first say, yes, Father, for this was your good pleasure. I respect your righteousness. I acknowledge your righteousness. दोबारा से मैं इसी बात को दोहराना चाहूंगा, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे हम खिदमत भाइयों, अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो याद रखें आपने सेम इसी तरह से कहना है
हाँ खुदावन क्या तुझे यही पसंद है क्या तेरी यही मर्जी है If you say, why this is happening? I have been so faithful to you. Why God, this is happening to me? आपने ये शिकायत नहीं करनी है कि खुदावन मैं तो बड़ा एक अच्छा और रास्तबाज इंसान हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? You are ignoring God's righteousness. You do not expect God's righteousness. अगर आप इस तरह के अल्फाजों का चुनाव करते हैं तो आप खुदा की रास्तबाजी का इनकार करते हैं और आप खुदा को बेइज्जत करते हैं. You are trying to reveal, manifest your self-righteousness. तो इस तरह से आप अपनी खुद की सेल्फ राइटियस को शो करना चाह रहे हैं, अपने आप को शो करना चाह रहे हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं. You can be cursed. और आप इस तरह से अपने आप को जाहिर करना चाह रहे हैं. That's why Jesus most strongly commanded you seek first God's righteousness. और इसीलिए यीशु मसीह बहुत इस चीज पर जोर देते हैं कि खुदावन की रास्तबाजी को पूरी दुनिया पर जाहिर किया जाए. Seek first to acknowledge God is righteous. Seek first to respect God. God is righteous. Seek first to reveal God's righteousness. God is righteous. इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा रास्तबाज है, खुदा रास्तबाज है और खुदा रास्तबाज है. Remember, Jesus most strongly commanded you, seek first God's righteousness, not your self-righteousness, human righteousness, not your self-respect. सिर्फ खुदा ही रास्तबाज है, ना कि हम इंसान या हमारी इज्जत कोई चीज है, मगर खुदा की इज्जत की जाए और खुदा ही रास्तबाज है. Best of all, My dear pastor, listen to me very carefully. मेरे अजीम हम खिदमत भाइयों इस बात को गौर से सुनो. In order to fully acknowledge, in order to fully respect God's righteousness, you must first give up your self-righteousness, your self-respect. मेरे हम खिदमत भाइयों इस बात को गौर से सुनो कि हर एक बात में खुदा की रास्तबाजी की इज्जत की जाए, हर एक बात में खुदा को ऑनर किया जाए, ऐसा ना हो कि हम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखें और खुदा को डिसओबे करें. थ्रो अवे योर सेल्फ राइटियसनेस, थ्रो फार फार अवे योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर सेल्फ प्राइड. अपनी शख्सी रास्तबाजी और शख्सी इज्जत को उतार फेंके. Do you happen to know why husband and wife are always arguing in a family? हम देखते हैं कि हमेशा husband और wife इस बात पर बहस कर रहे होते हैं. Because the husband is thinking, I am righteous, I am smart, but why are you so stupid? अब शोहर जो है वो बार हमेशा ये कहता है कि मैं एक नेक हूँ, मैं ज्यादा अकलमंद हूँ, मैं ज्यादा रास्तबाज हूँ, मगर औरत एज कम्पेयर टू हम बीवी को देखें तो वो भी यही अल्फाज दोहरा रही होती है. ओके, यू पास्टर्स, व्हेनेवर यू पास्टर्स गैदर टुगेदर, मेबी यू आर ऑलवेज क्वारलिंग एंड आर्गुइंग विद ईच अदर. हम देखते हैं कि हाँ, जब तमाम खादमीन भी जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो बहस छिड़ी होती है. Why? क्यों? Because you think I am righteous, I am smart, but why that guy is so stupid? Why that guy is doing wrong? क्यों? क्योंकि क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हर एक अपनी लियाकत और अपनी खूबियों के बारे में बात कर रहा होता है. हम क्यों नहीं समझते कि हम सब बेवकूफ हैं? Because of your self righteousness, because of your self respect, self pride.
सिर्फ खुदा ही राष्ट्रबाज है और जो हम शो कर रहे होते हैं वो सिर्फ खुद को अपना आप दिखाने के लिए शो अपना आप दिखा रहे होते हैं कि हम हमारे अंदर ये खूबी है हमारे अंदर ये लियाकत है मगर खुदा ही सिर्फ राष्ट्रबाज है So let's give up my self righteousness, my human self righteousness, and make every effort to reveal God's righteousness. Make every effort to respect, to acknowledge God's righteousness. God is righteous in everything He does. आइए अपनी शख्सी राष्ट्रबाजी को उतार फेंके और इस बात का इकरार करें कि खुदा ही हर एक बात में राष्ट्रबाज है खुदा ही हर एक चीज में हर एक बात में राष्ट्र है ओके भाई डियर पास्टर लेट्स टेक अबाउट 20 मिनट्स ब्रेक और 15 मिनट्स ब्रेक इट्स 15 मिनट ब्रेक 15 मिनट्स ब्रेक ओके लेट्स 15 मिनट्स ब्रेक लेट्स There you go, 15 minutes break. Thank you. Yeah, thank you so much.